नमस्कार, मैं साइमा, आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार से, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। हादसा इतना बड़ा था कि सड़कें भी धस गई हैं। हमारे संवाददाता चंद्रकमल पाटीदार जी अभी मौके वारदात पर मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या माहौल है वहाँ। चंद्रकमल जी बताइए, क्या माहौल है सर? मैडम आपको बता दूं मैं कि हादसा इस तरह से हुआ है कि वहाँ पे लोग इकट्ठे मौजूद रहते हैं चौराहे पे, जो पाटीदार किराना स्टोर है पास में, वहाँ पर लोग इकट्ठे शाम सुबह रहते हैं। और सर कैसे हुआ हादसा? हादसा ऐसा हुआ, अचानक तार टूटा और अचानक तार टूटने के बाद लाइमिनों को अवगत करवाया एवं तार जल गए और आसपास के जो भी ग्रामीण खड़े थे वो घर के अंदर घुस गए। इससे पहले भी आपने शिकायत की है क्या? बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है, इसलिए पहले भी अवगत करवा दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं हुआ। पूर्व में भी गोवर्धन पिता रणछोड़ जो पाटीदार है, उनके भी फोर व्हीलर गाड़ी एवं ट्रैक्टर ट्राली के एक साइड के हिस्से के तार से गिरने से जल गए थे टायर। ग्रामीणों का इस तरह से देखा जा रहा है कि ग्रामीण यहाँ पे नाराबाजी कर रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि 11 लाइन को गांव से बाहर हटा दिया जाए और इसकी जगह 3 फीस केबल डाली जाए। जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत की है, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। क्या बिजली विभाग इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो? क्या इस हादसे के बाद बिजली विभाग सक्रिय होगा? क्या इनकी समस्याओं का समाधान होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।